अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम शुरू करते हैं सैयद बुखारी किताब बदुल खल्क द बुक ऑफ क्रिएशन 441 से 449 तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कर दी, ठीक है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पक्के ना फिर दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़ऊना वज़िदना इल्मा। तो अब हम शुरू करते हैं। पिछली हम देख लेते हैं हमारी जो सही बुखारी कर रहे हैं ना, सही बुखारी किताब बदुल खल्क और बाब मलाइका, मलाइका का जिक्र है ना, मलाइका को जो ड्यूटियां असाइन होती वो हम कर रहे हैं। तो हदीस नंबर 441 निकालें, 441 है ना जो लास्ट थी उसको जरा सा देख लेते हैं। 441 441 कौन देख लेते हैं, 441 निकाली आप लोगों ने। कि हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने। पिछले हफ्ते की लास्ट थी, पिछले हफ्ते की लास्ट वाली, चले मैं पढ़ देती हूँ आप लोग आज की। हाँ मैं पिछली पढ़ रही हूँ, एक रह गई थी लास्ट, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, उसको समझ लेते हैं। हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उन्होंने यूनुस बिन यजीद अली से, उन्होंने इब्ने शाब जोरी से, उन्होंने उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उत्बा बिन मसूद से, उन्होंने इब्ने अब्बास से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले एक मुहावरे पर कुरान पढ़ाया, मैं उनसे कहता रहा दूसरे मुहावरे पर भी पढ़ने की इजाज़त दो, आखिर सात मुहावरों की इजाज़त हुई। अब ये मुहावरे जो है ना, ये सबा किरात नहीं है, सात किरात होती है ना, तो कुरान सात तरीके से सात किरात से पढ़ा जाता है और दस किरात भी होती है, ठीक है। तो अब ये बात है कि इसमें बताया कि मतलब ये है कि अरब की कई बोलियां और कई मुहावरे हैं। अब आप जैसे उर्दू देखें, बिहार का कैसे बोलेगा, पंजाब का उर्दू कैसे बोलेगा, हैदराबाद का कैसे बोलेगा, है ना, मुहावरे अलग अलग होते हैं वो है। तो अरब की कई बोलियां और कई मुहावरे हैं, वो जबान सबकी एक ही है यानी अरबी, पर बाज़े अल्फाज के और बाज़ों के हरूफ में कुछ कुछ इख्तलाफ होता है ना, अल्फाज अलग होते हैं, हरूफ अलग होते हैं। अब जैसे हम अरेबिक को देखते हैं ना, तो जैसे खूबसूरत को कहते हैं जमील, तो सऊदी अरब के लोग कहते हैं जमील, और मिस्री आ जाएगा ना, इजिप्ट का आएगा ना, तो वो कहेगा गमील, उनके पास जीम है नहीं। तो आज मुझे इस दफा मुझे एक मिली अरब में, मेरे पास बैठी थी, खूबसूरत लोग बहुत खूबसूरत होते हैं ना, आप भी बड़े अच्छे होते, तो मैंने सलाम किया और बात की। तो मैंने कहा मुझे सवाल है कि आप, हम अरबी में जमील बोलते हैं तो गमील बोलते हैं, कह रही है हमारे पास जीम है ही नहीं। पता चला इतने सालों बाद अब मुझे पता चला कि जीम ही नहीं है तो हम क्या करें, हम गाफ ही बोलते हैं, गमील गमील बोलते हैं। तो इस तरह जैसे हमारे उर्दू में भी है ना, तो मुख्तलिफ शहरों के मुल्कों के लोग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो हिजाज का एक मुहावरा है बनी तमीम का, जो कबीला है ना, दूसरा मुहावरा है बनी तय का, ठीक है, उनका कुछ और है, बनी तमीम का कुछ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर आसानी करने के लिए कुरान को सात अरब के मुहावरों पर पढ़ने की इजाज़त दी। अल्लाह के रसूल सल्लम कहते रहे ना जिब्रील से कि मुझे पढ़ने और बताओ और बताओ और पढ़ने दो ना। तो ये जो है ना किरात तो बाद में हुई ना, था पहले तो मुहावरे थे, किरात तो जो है ना बाद में आई थी, किरात तो बाद में दरवीज हुई थी। चले अब हम आज के लेसन से शुरू करते हैं, सही अल बुखारी बाब बदुल खल और उसमें फरिश्तों का जिक्र है, जिक्र मलाइका 443 सबके हाथ में है ना। हद्दसना मोहम्मद इब्नु मुकाबिलिन मुकातिलिन, हद्दसना मोहम्मद इब्नु मुकातिलिन अखबरना अब्दुल्लाह, ठीक है। अब ये अब्दुल्ला जो है ना, ये सारे रावी है ना, सारे रिवायत कर रहे ना, तो अब्दुल्ला इनका नाम है अब्दुल्ला बिन अल मुबारक, क्या है, अब्दुल्ला बिन अल मुबारक। इनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अल मुबारक बिन वाज़े अल हंजली था, उन्होंने 20 साल की उम्र से इल्म हासिल करना शुरू किया था। तो इससे रंजीदा ना हो, हम देर में शुरू करते हैं, 7 साल की उम्र में जैसे करते हैं ऐसे नहीं किया, और आप देखें हदीस के रावी बन गए। इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि हम तो इतनी लेट
मतलब सीख रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं, तो उम्र की कोई कैद नहीं, इंसान चाहे तो हर उम्र में इल्म हासिल कर सकता है। ठीक है, अब्बास बिन मुसब तारीख उम्र में कहते हैं कि उनकी वालदा ख्वारज्म के इलाके से थी। किनकी वालदा, किनका जिक्र पड़े, अब्दुल्ला बिन अल मुबारक का से थी और उनके वालिद तुर्की के थे। ठीक है, देखिए वालिद तुर्की के थे और वो ख्वाज़म से थे, ख्वाज़मी थी। उनके वालिद हमदान के एक ताजिर के गुलाम थे। ठीक है, अगरचे ये गुलाम के बेटे थे लेकिन उन्होंने कभी भी इल्म हासिल करने में अपने वालिद की गुलामी को आड़ ना बनाया। ठीक है, ये इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों का सफर करते और जब वापस हमदान आते तो अपने वालिदैन की ताज़ीम और फरमाबरदारी करते। अब देखिए ये वालिद गुलाम थे, ये इल्म में आगे बढ़ गए। और हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वालिद कोई अच्छी मतलब पोस्ट पे नहीं होते, दर्जी होते हैं, नाई होते हैं, बारबर होते हैं, हजाम होते हैं, और बच्चा अगर कुछ पढ़ लिख जाता है तो वो आर और शर्म महसूस करता है ना कि अब मैं तो बहुत आगे निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये आलिम थे ना, इनके पास इल्म था ना, तो ये क्या करते थे कि मुख्तलिफ जगहों का सफर करते थे इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन वालदैन की ताज़ीम और फरमाबरदारी करते थे, इज्जत देते थे वालदैन को। वालदैन तो चीज़ ही इज्जत के लाए, जो वालदैन का नाफरमान है, वालदा का नाफरमान तो उम्महात का नाफरमान तो कभी जन्नत में जाएगा नहीं। तो कुछ भी हो जाए हम वालदैन की इज्जत करनी। आप देखें इनसे हमें पता चला, इतने बड़े हदीस के रावी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और वालिद क्या है, गुलाम है, उनके वालिद हमदान के एक ताजिर के गुलाम थे। होता है ना बार दफ़ा बच्चे आगे निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा इल्म में, तो ये मतलब नहीं होता कि हम वालदैन को हकीर समझें, उनसे उनकी इज्जत ना करें। उन्होंने ताबईन से अहदीस ली। ताबईन कौन होते हैं, हाँ जो साहबा के बाद होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। सबसे कदीम आलिम रबी बिन अनस अल खुरासानी से वो एक तदबीर के साथ जेल में मिले और उनसे उन्होंने 40 अहदीसें सुनी। देखें अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने क्या किया, किससे मिले, बहुत पुराने आलिम थे रबी बिन अनस अल खुरासानी, ठीक है ना, उनसे कहा तदबीर इख्तियार। जेल में जाना तो मुश्किल है ना, तदबीर करी कोई, कोई प्लान किया, कोई तदबीर निकाली, और क्या करे जेल में मिले, क्या सुनने के लिए, 40 हदीसें सुनने के लिए, यानी इल्म हासिल करने के लिए इन्होंने जेलों को भी नहीं छोड़ा। जब भी तो ये किताब है, आपको लग रहा है कि इमाम बुखारी ने लिखी, उनके पीछे कितने लोग हैं, कितने उस्तादों से लिया है। और बच्चे को जो बात कह दें, इमाम बुखारी को उनके उस्ताद ने क्या कहा था क्लास में, कि जब वो कहते हैं मैं बहुत छोटा सा 7 साल के थे, कि कोई जो है ना आप सल्लम की हदीस को जमा कर दो। फिर उन्होंने ख्वाब भी देखा था ना, ख्वाब की ताबीर किसी ने बताई थी कि तुम आप सल्लम की हदीस को जमा करोगे। तो बच्चों के दिमाग में ना बात डालनी चाहिए, रहती माँ की बात जरूर रहती, क्लिक होती है और वो कर जाता है। मैंने तो अक्सर बच्चों को देखा है कि हमारी वालदा ने कहा था उनका हाफजा बहुत अच्छा था, जब भी तो इतनी हदीसें मिल रही हैं। नईम बिन हम्माद कहते हैं कि मैंने इब्ने मुबारक से सुना कि वो कहते थे मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम्हारी किताबें मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें जला दूंगा। तो ये कहते हैं कि मुझे क्या नुकसान होगा, सब कुछ तो मेरे सीने में। अब वालिद का लेवल वो नहीं था इल्म का, किताबें और ज़ाहिर वो तो गुलाम थे, और ये तो इनको पता थी किताब की इल्म की क्या हैसियत है। तो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वालिद को अगर जला भी दे तो मेरे तो सीने में, हमें तो एक आयत याद नहीं होती। अब देखें, अब मुझे बताएं कि हम जो है इन हस्तियों को क्यों पढ़ें, जो हस्तियां जिन्होंने हमें लिख के दिया उनको क्यों पढ़ें, बताएं क्यों पढ़ते हैं हम, और इस इल्म को क्या कहते हैं। ये जो हदीस के रावी के हम पढ़ते हैं, कभी साहबा है, ये तो साहबी नहीं है, तो ताबीन से लिया है उन्होंने ना, ये तो ना साहबी है ना ताबीन है, तो हम क्यों पढ़ते हैं। ये होता है इल्मुर रिजाल, क्या होता है, शुरू में पढ़ा था ना इल्मुर रिजाल, ये एक साइंस है हदीस की, ये क्या पढ़ रहे हैं इल्मुर रिजाल। ठीक है, और ये जो है आइम्मा कराम कहते हैं कि हदीस का इल्म पूरा ही नहीं है, आधा इल्म इल्मुर रिजाल है और आधा हदीस है। अब आप देखें आप कितना कुछ सीख रहे हैं ना, कि कितना काम हुआ है, फायदा हो रहा है ना। तो क्या कहा आइम्मा कराम ने कि हदीस का इल्म आधा इल्मुर रिजाल है और आधा हदीस है, उसके बगैर पूरा ही नहीं। ठीक है ना, और हम यूं हदीस फलाने का अबू हुरैरा ने फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गुजर जाते हैं। अब आप देखिए कितना कुछ इनकी जिंदगियों में सीखने को है ना, है ना। ठीक है, ये काम काज करके घर में तन्हाई में बैठते थे तो इनसे पूछा, हालांकि ये बहुत शॉर्ट किए, शॉर्ट मैं बता रही हूँ आपको, हालांकि बहुत लंबा है ये। तो ये काम काज करके घर में तन्हाई में बैठते, उसको गोल कर दें आपकी हदीस में जो है ना अब्दुल्ला और बिन अल मुबारक लिख दें इसके आगे, ये काम काज बिन अल मुबारक, ये काम काज करके
घर में तनाई में बैठते थे तो इनसे पूछा गया कि आपको अकेले में वहशत नहीं होती? हम क्या कहते, मैं अकेली नहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरे साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा होते हैं। क्या मुराद है, क्यों कहा इन्होंने ऐसा? हाँ, मुराद किताबें होती हैं और मैं उनका मुताला करता रहता हूँ। आपको नहीं लगता कि हम अल्लाह के रसूल सल्लम और सहाबा की महफिल में आ गए? लगता है ना हमें भी। और औजाई किसी से कहते हैं कि क्या तुमने इब्ने मुबारक को देखा है? तो उसने कहा नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम देखते तो तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाती। यानी ऐसे लोग होते हैं कि उनको देख के आंखें ठंडी हो जाए, नूर होता। ये मुस्तजाबुद दावात भी थे। मुस्तजाबुद दावात किसको कहते हैं? इस्तिजाब से, इस्मा वस्तजीब। पढ़ा है अमीन का मतलब इस्तिजाब। हाँ, यानी ये उनकी दुआएं कबूल होती थी। आपने आमीन का मतलब क्या पढ़ा है? इस्मा वस्तजीब, अल्लाह सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। तो जब मुस्तजाब आए ना, अब आप वर्ड देखे ना, वस्तजीब मुस्तजाब, देख रहे हैं वर्ड, जैसे हम लोगों के टेंसेस और फॉर्म चेंज होते हैं उर्दू में। तो ये मुस्तजाबुद दावात भी थे, यानी दुआएं इनकी कबूल होती थी। लिखे मुस्तजाबुद दावात, ठीक है। फिर उसे देख लीजिएगा, असमा से, उजमा से, साइमा से, एक दूसरे से देख लीजिएगा। एक दफा किसी नाबीना ने उनसे दुआ करवाई और उसकी बिनाई वापस आ गई। मैं बाद में आपको उजमा लिख के बता दूंगी। एक दफा किसी नाबीना ने उनसे दुआ करवाई। नाबीना ने क्यों उनसे दुआ करवाई? क्योंकि उसको पता था कि ये मुस्तजाबुद दावात, इनकी दुआएं कबूल होती। और ये पूरा एक वाकया है कि उसी वक्त उसकी बिनाई आ गई, उसी वक्त उन्होंने दुआ की। और तो जब ऐसी हदीसें लिखते हैं, इतना बावजू रहते होंगे तो अल्लाह का काम करे तो क्यों नहीं वो अल्लाह उनकी दुआ सुन। उन्होंने साल को तीन हिस्सों में तकसीम कर रखा था। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। इल्म हासिल करने और सीखने सिखाने में, ठीक है, हज करने और करवाने में, और जिहाद में, ठीक है। जिस साल जिहाद ना होता तो तिजारत करते, तो पैसा भी आए, कुछ कमाए भी ना। तो तीन हिस्से। रिकाक, रिकाक किसको कहते हैं? रिकाक का इल्म, आखरत के मसाइल पढ़कर खूब रोते। रिकाक कहते हैं रिक्कत तारी हो गई, मैं रोने लगी। देखे हम मिला है ना अल्फाज, समझने की कोशिश कर। तदब्बुर इसको कहते हैं। तो आखरत के मसाइल पढ़कर खूब रोते कि यूं लगता जैसे ये ज़बा होने वाली गाय है, ऐसे रोने लगते। जैसे जानवर भी एक ज़बा हो रहा था, दूसरा जानवर कहते हैं ना, दूसरे जानवर को एक दूसरे के सामने मत ज़बा करो। एक रिवायत में आता है कि इब्ने मुबारक हर साल 1,00,000 दिरहम फुकरा पर खर्च करते थे। फुकरा कौन थे? फकीर की जमा। अली बिन फुदैल कहते हैं कि उन्होंने अपने बाप से सुना कि वो इब्ने मुबारक से कहते हैं कि आप कहते हैं कि ज़ोहद इख्तियार करो, माल कम जमा करो और इतना ही हासिल करो जितने में गुजारा हो जाए। क्या क्या करो? ज़ोहद तक्वा इख्तियार करो, माल कम जमा करो और इतना ही हासिल करो जितने गुजारा हो जाए। लेकिन हम आपको देखते हैं कि आप इतना सामान लाते हैं। इन्होंने तो ये बातें कही और फिर लोग इनको देखते हैं कि बहुत सारा सामान लाते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अबू अली, ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि अपने चेहरों को लोगों के सवाल से महफूज करूँ। मेरे पास हो कि मैं लोगों से सवाल ना करूँ, अपनी इज्जत की तकरीम करूँ, सवाल करने वाले की इज्जत गिर जाती है ना, और अपने रब की अताअत पर मदद हासिल करूँ। क्योंकि पैसा होगा तो आप लोगों को सदका खैरात ज़कात करेंगे तो अल्लाह ताला की अताअत हासिल होगी, ठीक है। ये काम इतना अच्छा है अगर ये मुकम्मल हो जाए, ये सारा काम। तो दौलत बुरी चीज़ नहीं है, उसका ये है कि मसरफ हम क्या करते हैं। ये जिहाद भी करते, कारोबार भी करते और अल्लाह की रजा के लिए अपने दीनी भाइयों पर खर्च करते और उनको अपने साथ सामान देकर हज पर ले जाते। अब इनका ये वाक्य सुने, हज पर ले जाने का वाक्य तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये उनका खास, हम किसको पढ़ रहे हैं आप लोग? अब्दुल्ला इब्न मुबारक। ये उनका खास अमल था और ये हदीस की रिवायत में भी, चेन ऑफ नरेशन में भी है। ये उनका खास अमल था जो काबिल रश भी था कि ये लोगों को हज पर ले जाने के लिए ऐलान करवाते। क्या करते? हज पर जाने के लिए ऐलान करवाते। तो जो जाने का कहता तो ये उनसे उनका खर्चा मंगवाते कि लाओ खर्चा, जा रहे हो तो खर्चा लाओ। सब अपना अपना माल उनको दे देते तो ये पोटलियों में बांधकर संदूक में रखते रहते और ताला लगा देते। फिर उनको किराए की सवारी लेकर मरवा, वो इलाका जहाँ वो रहते थे, कहाँ रहते थे? मरवा में, ठीक है। किराए की सवारी लेकर मरवा, वो इलाका जहाँ वो रहते से बगदाद ले जाते। मरवा से कहाँ ले जाते सबको? बगदाद। और उनको खर्च देते, खूब अच्छा खिलाते पिलाते और बगदाद से ही उनको खूब अच्छा लिबास पहनाते। फिर मदीने ले जाते,
सबसे पहले हमारी भी फ्लाइट बर्दा मदीना जाती है ना, मक्के से मदीना ले जाते और बाद लोग मक्के से मदीना आते और हर एक से कहते कि तुम्हारे बीवी बच्चों ने क्या लाने का मुतालबा किया, फिर सबको वो चीजें दिलाते मदीना से, वहां से उनको मक्का ले जाते और जब वो अपना हज पूरा कर लेते तो उनसे पूछते कि तुम्हारे घर वालों ने मक्का से क्या लाने का मुतालबा किया, फिर वो दिलाते और अपने इलाके तक पहुँचते, अपने इलाके तक पहुँचने तक उन पर खर्च करते रहते, फिर घर पहुंचकर हाजियों के घरों की हालत अच्छी करते, यानी भज करके आए उनके घर भी अच्छे करते, 3 दिन गुजरने के बाद उनकी दावत करते, उन्हें कपड़े पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, फिर संदूक खोलकर हर आदमी की पोटली उसको वापस कर देते, यानी कि हज भी करवाया, मदीने की ज्यारत भी करवाई, मक्का भी ले गए, मदीना से बगदाद ले गए, मरवा से मदीना से शॉपिंग, और फिर तुम्हारी शॉपिंग ही घर वालों ने की फरमाइश हदिया, सुभान अल्लाह, फिर उनकी पोटलियां पुटलियां भी वापस कर देते थे, लाओ खर्चा लाओ जा रहे भाई, फिर देखे माशाल्लाह। इनसे किसी ने पूछा आप कब तक इल्म हासिल करते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मौत तक, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अभी तक वो बात मालूम ही ना हुई जो मेरे काम की हो। इल्म तो बहुत वसी है ना, किसी को कोई इल्म है, किसी को कोई इल्म है, और कोई ऐसी काम की बात हो जो हमें मालूम ही ना हुई हो, कोई इल्म हमसे छुप जाए, तो अब आप क्या करेंगी, आप लोग कब तक इल्म हासिल करेंगे इंशाल्लाह, क्यों मेरे मरने के बाद भी आप इल्म हासिल कीजिएगा, बल्कि फिर तो आप आलिमा बन जाएंगी इंशाल्लाह, आमीन बोल दें। तो कबूलियत की घड़ी होती है ना, तो कबूलियत की घड़ी होती है, और आप तो इतनी अच्छी महफिल में बैठी है, सो तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ने हम सबको वो दे दे दर्जा के हम हादियम मादियम बन जाए, हिदायत भी दें, हिदायत याफ्ता भी बन जाए, लोगों को भी हिदायत दें, और अल्लाह ने सिखाया है रबना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतना कुर्रत आयुनिन वजलना मुत्तकीना इमामा, आंखों की ठंडक बना हमारे अजवाज को, औलाद को, और मुत्तकियों का भी इमाम बना दे, उनसे आगे भी एक लेवल है, तो अल्लाह बना देगा मुझे, हम सबको, हमारे बच्चों को, शोहरों को, सबको, हम सबके लिए दुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इल्म हासिल करने के लिए ये इल्म हासिल करने के लिए बहुत घूमे, नकल मकानी भी की, यहाँ तक इल्म हासिल करते करते ही फौत हो गए, मैं मौत तक इल्म हासिल करूंगा, अल्लाह ने इनकी बात सुन ली। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आते थे तो दो ग्रोह होते थे, एक इबादत गुजार होता, इबादत कर रहा होता, दूसरा जो है इल्म हासिल कर रहा होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म जहाँ हासिल होता उनकी महफिल में बैठते, ठीक है। चले अब हम हदीस को आगे चलते हैं। अब एक हदीस के लिए देखें, एक एक अगर हम पढ़े हदीस के रावी को तो कितना कुछ है उनकी सीखने को ना। अच्छा, फिर हमने अखबराना यूनुसु अनिस ज़ोहरी, सबके पास है हदीस, काला हदसनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह, मैं जाऊँ वहाँ है आप लोग, हदीस नंबर 443 अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नासी। अब इसको सारी चेन ऑफ नरेशन है, फिर उसमें इसको रिवायत करते हैं कौन, इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, इब्न अब्बास आपके कजन थे ना, अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के बेटे आपके चचा थे, कि उन्होंने कहा कि आज़ सब लोगों से ज्यादा सखी थे, जूदो 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 अता जूदो सखावत सुनी ना जूद, तो अजवदुन नास जब अलिफ लग जाए ना तो सबसे ज्यादा आलिम, आलम अल्लाह आलम अल्लाह सबसे ज्यादा जानते हैं ना, अजवदुन नास सबसे ज्यादा सखी थे, वकाना अजवदा माकानु मा यकूनु फी रमदाना। ये हदीस आप लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहली जो हदीस का चैप्टर था किताबुल वही में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोबारा आ गई, ठीक है। तो ये फायदा होता है कुरान में भी आयतें रिपीट होती है और हदीस में भी रिपीट होती है। ये क्यों रिपीट हुई, क्योंकि हम फरिश्तों का जिक्र पढ़ रहे हैं और इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, इसलिए इमाम बुखारी ने इसको यहाँ भी इस बाब में भी ले आए। और रमजान में तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिला करते तो और ज्यादा सखावत करते, वकाना अजुदु मा यकूनु फी रमदाना हीना यलकाहु जिब्रील, वकाना जिब्रीलु यलकाहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमदाना फयुदारिसुहुल कुरान। हजरत जिब्रील रमजान में हर रात को आपसे मिला करते और कुरान का दौर करते, ये है ना फयुदारिसुहुल कुरान, फइन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना यलकाहु जिब्रीलु अजवदु बिल खैरी मिन रीहिल मुरसलती। फिर इस फरमाते हैं कि जब आपकी जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुलाकात रहती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलती हुई हवा से भी ज्यादा लोगों को भलाई पहुंचाने में
सखी रहते, सखावत में क्या करते, चलती हुई हवा की तरह तेज हो, हवा कितनी तेज चलती है जी, तेज हवा से भी ज्यादा तेज हो जाते, ठीक है। وعن عبد الله اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحوه ورواه ابو هريره وفاطمه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعرضه القران اور عبد الله بن مبارک نے کہا ہم سے معمر نے بھی اسی سند سے یعنی زوری سے آخر تک اسی روایت ایسی ہی روایت کی اور ابو هريره رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حضرت جبرائیل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں یو آر ادو، ٹھیک ہے، کیا لفظ لائی ہے، یو آر ادو، وہ بھی دور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، اب یہاں جبریل جو ہے نا ایک کام کے لیے آئے تھے، دورہ قرآن کروانے کے لیے، تو چونکہ یہ ملائکہ کا باب ہے، ذکر ملائکہ ہے، اس لیے یہ حدیث میں یہ آئے امام بخاری دوبارہ سے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسلام، اب میں آپ کو اور حدیث اس سے متعلق بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ حدیث اب ہماری ختم ہو گئی، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اور حدیث ہے اس سے متعلق۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر آپ سے جو بھی چیز کوئی مانگتا آپ اسے دے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرتا، اسلام قبول کر کے جو بھی مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی جو ہے بکریوں سے بھری ہوئی اس کو عطا کر دی، دو پہاڑیوں کے درمیان پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی اس کو عطا کر دی، یعنی کہ ایک قیاس ہے کہ کئی سو بکریاں تو ہوں گی، پہاڑ اور وادی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سمان بن امیہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ کون تھے، سمان بن امیہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقبوض یعنی ناپسند کوئی بھی نہ تھا، یعنی وہ بغض رکھتے تھے ان سے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، کوئی بھی نہ تھا، مگر اس واقعے کے بعد آپ سے مجھے، آپ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں تھا، یعنی عطا کرنے کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، دو پہاڑیاں بھر بھر کے، وادی بھر کے، بکری دے دی، بکریاں دے دی کئی سو، ٹھیک ہے۔ آپ صرف ان کو نہیں دیتے تھے جن کو آپ پسند کرتے تھے، بلکہ ان کو بھی دیتے تھے جو آپ کے دشمن ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے ان کو بھی آپ جو ہے ان کو بھی آپ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حنین کے موقع پر ایک شخص کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا اور اس کی جوتی بھاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے اس کو کچوکا دیا، کوڑا مارا نہیں، کوڑے سے آپ نے کچوکا سا دیا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کچوکا دیا۔ اب آپ نے جب اس کو کچوکا دیا تو کیا ہوا، اس کو آپ نے کچوکا دیا تو اس شخص کو تکلیف ہوئی، وہ رات بھر سو نہ سکا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، صبح ہوئی تو ایک شخص اس کا نام لے کر پکار رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اس نے سوچا اب تو میری شامت آ گئی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم وہی ہو شخص ہو، اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تمہیں تکلیف پہنچی تھی، یعنی کہ تکلیف پہنچی تھی، آپ سب نے اس کو 80 گائے دی، کتنی گائے دے دی، 80 گائے، گائے تو آج بھی مہنگی ہے، ایک قربانی بھی کرتے تو 7 حصے اس میں ہوتے ہیں، اس کو بکریوں کے ریوڑ دے دیے وادی بھر کے، دو پہاڑیوں کے درمیان، ایسی مثالیں تاریخ میں کسی لیڈر کی نہیں ملتی، یہاں تو لیڈر اپنے خزانے بھر لیتے ہیں اور بیت المال سے سفر پہ جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، فیملی کو بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اسلام اور دین پھیلا۔ تو اب کیا کریں گے، ان حدیث سے عجوۃ الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، کیا سیکھا آپ نے، کیا کرنا ہے ہمیں، مسلمان ہو گیا، اور پھر خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ وہ کریں نا، کہ لوگ کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ اتنا اچھا مزہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کی تعلیمات اچھی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، کہتے ہیں مسلمان نہیں اچھے، تو وہ دور ہو جاتے ہیں ہم سے، تو ایسے حلقے ہونا، تو آپ لوگ اپنی فیملیز میں شروع کر دیں نا، سب لوگ تھوڑے تھوڑے جو نوٹس ہوتے ہیں، یہ حدیث ہی ریڈنگ ہی کر دیں، ریڈنگ کوئی بری بات ہو رہی، ریڈنگ تو اچھی چیز ہے، کون سے ہمیں علامہ ہمیں بننا ضروری تھوڑی، ہم نے جو ہے وہ پڑھ کے سنا تھا، کھولی ہی نہیں کسی نے،
आपके पास सुनना डॉट कॉम है बुक नहीं, और नॉलेज हैज नो बाउंड बुक नहीं है। आजकल तो क्लिक 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 का चक्कर है, और हम जो ये कितनी गलत बातें हम करते थे, मैं भी जब हमने कयामत पे आदिश पढ़ रहे हैं तो उसमें था कि कुरान से जो है ना सफ़े खाली हो जाएंगे, और हम कहते थे शायद हमारे इंटरनेट उठ जाएगा, सैटेलाइट चला जाएगा। अब देखें लाइव में मैंने भी और आपने भी जब हम हाँ वो भी हमने पढ़ा जी बिल्कुल, उल्मा भी खत्म हो जाएंगे और देखिए इतने नजरे में भी आप लोग सब माशाल्लाह, ये है ना कि मौत तक इल्म हासिल करेंगे शायद कोई बात आ जाए। बिल्कुल सही आपने कहा, जज़ाकअल्लाह खैर। और फिर हमने ये भी पढ़ा था उसमें क़यामत के दर्स में ना इसी दफ़ा के कुरान से के अल्फाज गायब हो गए, इसका कोई अल्लाह ताला तो किसी सैटेलाइट किसी इंटरनेट किसी के मोहताज है, अल्लाह ने खुद हमें ये चीज़ें दी हैं बना बना के, तो अल्लाह ताला को क्या जरूरत है, वो तो जब चाहे वो तो कहे कुन और फयकुन हो जाए। ठीक है, यानी अच्छा यानी हर साल एक बार जिस आप ये जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरा कुरान कराने आते थे, जिस साल आप ससम की वफ़ात हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दो बार दौर किया। ठीक है, कहते हैं कि जैद बिन साबित की क़िरात ससम के आखिर दौर के मुवाफिक है। चलें अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आदि संबत 444। ठीक है, सबके हाथों में है ना 444 जी 444। चलो मैं ये इसको पीछे कर दूँ, हो गया ना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हमने पढ़ लिया। ठीक है हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, हमसे लैस बिन साद ने, उन्होंने इब्न शहाब से उन्होंने कहा कि एक रोज ऐसा हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज, बाद में सब खलीफा थे ना, सब ताबईन भी दुनिया से रुखसत हो गए सब, तो अब्दुल्ला उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो खलीफा थे, उन्होंने असर की नमाज में कुछ देर कर दी। ठीक है, देर कर दी तो उरवा बिन जुबैर ने कहा तुमको मालूम नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने आज रसूल की इमामत फरमाई, इन्ना जिब्रीला कद नज़ला फसल्ला इमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला उमर एलम मा तकूलू, तो उमर ने ये सुनकर कहा उरवा समझ कर कहो क्या कहते हो। जब उरवा ने कहा ना कि आज जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे थे और आज सल्लम को नमाज फरमाई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो समझ कर कहो। क़ाला उरवा ने कहा समीतु बशीर इब्ना अबी मसूदिन यकूलू, उरवा ने कहा कि दूसरी सनद बताई लो, सनद सुन लो, मैंने बशीर बिन अभी मसूद से सुना, यकूलू वो कहते थे, समेतु मैंने सुना, आप देख रहे समेतु तापे तू है, मैंने सुना दम्मा है, मैंने सुना अबा मसूद, मैंने अबू मसूद से सुना, यकूलू वो कहते थे, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकूलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, नज़ला जिब्रीलू फअम्मनी फसल्लैतु माहु, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने मेरी इमामत की, मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, सुम्मा सल्लैतु माहु, फिर दूसरी नमाज पढ़ी, सुम्मा सल्लैतु माहु, फिर मेरी नमाज, फिर तीसरी नमाज पढ़ी, सुम्मा सल्लैतु माहु, फिर चौथी नमाज पढ़ी। देखिए यहाँ तीसरा चौथा अरबा तलाता हमसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुम्मा सल्लैतु को उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिए कि फिर नमाज पढ़ी तीसरी पढ़ी चौथी, क्योंकि पांच होती है ना, तो वो समझाने के लिए असल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वो नहीं बनता। ठीक है, सुम्मा सल्लैतु का तीसरी नमाज चौथी नमाज नहीं बनता है। ठीक है, फिर तीसरी नमाज पढ़ी सुम्मा सल्लैतु, फिर चौथी नमाज पढ़ी सुम्मा सल्लैतु, फिर पांचवी नमाज पढ़ी सुम्मा सल्लैतु माहु, फिर मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, यह सबु भी असाबी ही खमसा सलावातिन, अबू मसूद में आया है ना कि आज़ ससलम पांचों नमाजों को अपनी उंगलियों से गिनते थे। यह सबु गिनना, यह सबु को देखिए जरा, यह सबु वो गिनते थे फेले मुदारे। ठीक है, फेले मुदारे पास भी होता है और प्रेजेंट भी होता है, यह सबु वो गिनते थे कौन अल्लाह के रसूल, हिसाब समझते हैं ना, हा सा सीन बा हिसाब, भी अस भी अस भी असाब ही, तो असाब ये कहते हैं उंगली को, किसको कहते हैं उंगली को। ठीक है, ही उनकी यानी वो अपनी उंगलियों से गिन रहे थे, हमसा पांच,
सलावातीन आपको पता है किसको कहते हैं, उंगलियों को, पांच इन्होंने नमाजें गिनी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि इसको जरा हम देख लेते हैं और हदीस से कि एक मोमिन के लिए इससे बड़ी क्या सादत है कि नमाज की हालत में उसका जिक्र अल्लाह के सामने हो, ठीक है, खुसूसन सजदे की हालत में, खुसूसन सजदे की हालत में इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब भी होता है। नमाज में तो ऐसा होता है ना कि अली करमुल्लाह जा कहते थे कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है, और जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। तो एक मोमिन जब नमाज की हालत में होता है तो उसका जिक्र अल्लाह के सामने हो रहा होता है, और सजदे की हालत में तो इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए भी इंसान को ज्यादा से ज्यादा सजदे करने चाहिए, ठीक है। तो सजदे की जरूरत है तो नमाजों की कसरत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, खासतौर पर नवाफिल की तरफ, क्योंकि नवाफिल सवारी पर भी हम पढ़ सकते हैं, और आपको पता है वितर भी सवारी पे पढ़ सकते हैं। एक साहबी ने दूसरे साहबी को देखा कि उन्होंने सफर के दौरान अपना सवारी रोक ली, ऊँट रोक लिया, तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे थे, कह रहे मैंने ऊँट रोक के वितर पढ़े, तो उन्होंने उनको समझाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर भी सवारी पे पढ़ लेते, सिर्फ फर्ज नमाज के लिए आपको क्या करना है, गाड़ी रोकनी है सवारी, वो तो ऊँट और उस पर होते थे, तो आपको कार अपनी रोकनी है, किबला रुख करनी, फिर फर्ज नमाज पढ़नी। वैसे नवाफिल आते हैं कि मैं चार्ज कैसे पढ़ूं, मैं आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रही, मैं इशराक कैसे पढ़ूं, मैं दुआ कैसे पढ़ूं, आप किसी तरफ भी आपकी कार का रुख हो आप पढ़ लें। अब फ्लाइट में जरा, फ्लाइट में भी कोई वो नहीं नवाफिल आप पढ़ सकते, लेकिन आप अगर जो है सऊदी एयरलाइंस और एमिरेट्स वगैरह तो वो किबला वो पीछे होता है नमाज का, मत पढ़ लेते फिर औरतें पढ़ती, ठीक है। एमिरेट्स में काम उसमें होता है, सऊदीया में होता है, किसमें होता है, एक और में भी होता है ना, किसी सिर्फ सऊदीया में होता है, इत्तेहाद में होता है, हाँ सऊदीया में पता नहीं एक किस में होता है, एक और में भी मैंने देखा था, लेकिन सऊदीया में तो श्योर होता है, सऊदीया में तो श्योर होता है, पीछे जगह भी होती है उनकी फ्लाइट में, पर्दा डाल देते हैं ना, और वो हाँ पूरा एरिया बना दिया हुआ और कर्टन डाला हुआ होता है जब मत पड़े होते। इस हदीस से नमाजों की अहमियत का हमें पता चलता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अच्छा अब हम आगे पढ़ते हैं, फिर वो दूसरी तफसील दूसरा करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है हदीस नंबर 446, ठीक है, चलो 45 पढ़े, अच्छा ठीक है 45 पढ़े, चले 45। अच्छा 45 में हद्दसना मोहम्मद इब्न बशार हद्दसन इब्न अबी अदीन अनशो 445 अनशोबता अन हबीब इब्नी अबी साबितिन अन जैद इब्नी वहबिन अन अबी जर्रिन रदियल्लाहु अन्हु काला काला नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, हमसे मोहम्मद इब्न अदी ने, उन्होंने शोबा से, उन्होंने हबीब बिन अबी साबित से, उन्होंने जैद बिन वहाब से, कि उन्होंने अबू जर रदियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने कहा कि आज़र सरसर ने फरमाया काला नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ली जिब्रीलू मेरे साथ जिब्रील थे मन माता मिन उम्मतिका ला युशरिक बिल्लाही शैयुन दखल अल जन्नता, मेरे साथ जिब्रील थे, जिब्रील ने मुझसे कहा तुम्हारी उम्मत में जो कोई साल में मरे के शिर्क ना करता हो तो वो एक ना एक दिन बहिश्त में जाएगा, औलम यद खुलिल नारा काला वहीन सरका काला वहीन, के वो एक ना एक दिन बहिश में जाएगा, या यूं फरमाया दोजख में इस तबके में जहाँ मुशरिक रहते हैं ना जाएगा। अबू जर ने कहा अगरचे वो जिना करता हो या चोरी करता हो, आपने फरमाया वो जिना या चोरी करता हो, है ना। देखिए एक दफा फरमाया कि जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि आपकी उम्मत में से कोई इस साल में मरे के शिर्क ना करता हो तो वो एक ना एक दिन बहिश में चला जाएगा, या यूं फरमाया कि दोजख में इस तबके में जहाँ मुशरिक रहते हैं ना जाएगा, ठीक है। तो इस पर अबू जर रदियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लम अगर वो जिना करता हो चोरी करता तो आपने फरमाया गो या जिना करता हो या चोरी करता हो वो जरूर जन्नत में चले जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं इसकी मैं तफसीर है कि मैं आपको बताऊँ कहाँ गया। अच्छा अब यूँ है ये कि अगर इस हदीस को हम दूसरी हदीसों से मिलाकर पढ़ते हैं ना, और हदीसें भी है ना इस तरह की, तो ये जो है ना दखल अल जन्नता,
अगर अल्लाह चाहे दखल जन्नत का वो जन्नत में चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए आता है और हदीसों में कि अगर अल्लाह चाहे तो उसे माफ कर दे, सीधा जन्नत में भेज दे, ठीक है, और चाहे तो उसको इस अमल की सजा देकर भी जन्नत में दाखिल कर। दो सूरतें, या तो अल्लाह माफ कर दे और दखल जन्नत कर दे, जन्नत भेज दे, या उसको सजा पहले वो भुगत ले, जहन्नुम में जाए, सजा भुगते फिर उसको जन्नत में जा ले। ऐसे लोगों के लिए जो शिर्क नहीं करते हैं, ये किसके लिए? खुलूद फिर नार नहीं, खुलूद, खुलूद क्या, हमेशा नार में नहीं रहेंगे, सजा हुई फिर चले गए, या तो अल्लाह ताला बख्शी दे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा तो अपने गुनाह की पादाश में जा भी सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, लेकिन वो खुलूद फिर नार हमेशगी की नार, हमेशगी की जहन्नम नहीं है, वो निकल जाएंगे, जहन्नम में हमेशा नहीं रहेंगे, वो भी आखिर जन्नत में चले जाएं। और दूसरी जो है औलम यद खुलिन नारा, वो आग में दाखिल ही नहीं होगा, यह है ना, तो या तो वो आग में दाखिल ही नहीं होगा। तो उसके मुतालिक ये है कि अगर उसने तौबा कर ली या इस पर हज जारी हो गई, कुछ बड़े बड़े गुनाह हज जारी होती है ना, जैसे जिना पे 100 कौड़े मारे जाते हैं, और जो है ना जानी जानियों को 100 कौड़े, और भी ऐसी बड़े बड़े गुनाह जिन पे हज जारी होती है, अगर उसने तौबा कर ली, या उसने कत्ल भी तो है ना, कत्ल भी तो बहुत बड़ा गुनाह, तो या उस पर हज जारी हो गई, अगर तौबा कर ले या हज जारी कर ले तो या अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे, या ये कि उसके कुछ ऐसी नेकियां हो कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दे और उसको बख्श दे। अब देखिये चार चीजें आ गई, क्या है, या तो तौबा कर ली दाखिल में और के आग में जाएगा ही नहीं, तो वो कौन होगा, नंबर एक, या तो उसने तौबा करी, और आदि से हमें पता चलता, या तो उस पर गुनाह की हद जारी हो गई, ठीक है, तो कबीरा गुनाहों पे हद होती है, या ये कि अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे, या ये कि उसकी कुछ ऐसी नेकियां हो कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे और उसको बख्श दे, तो फिर वो आग में नहीं जाएगा। आम बात है, हद तो जारी करने का है ही नहीं, तो इस्लामी हुकूमत में होना चाहिए ना, हम अगर गैर मुल्कों में रह रहे हैं तो वहाँ तो नहीं है, इस्लामी हुकूमत को चाहिए। तो आप सही कह रही कि अल्लाह ताला ऐसे इस्लामी मुल्कों में दीन पे चलने वाले हमें चलाने वाले भी मिल जाए और चलने वाले भी मिल जाए, तो अब इससे जी हाँ सजा हो गई ना, वो इस्लामी मुल्क, हाँ तो वो भी, लेकिन इस्लामी हुकूमत है तो वो तो फिर कोशिश होगी कि गैर इस्लामी हुकूमत है, अब अल्लाह आलम क्या है, ये सारे फिकही मसले हैं ना, तो हम फिक पे नहीं बात कर सकते ना, तो जितना इल्म हो उतनी बात करें, ये हम किसी से को पूछ लेंगे, किसी है ना राज से कौन से इल्म होते हैं, इल्म वालों से हम पूछ लेंगे। अच्छा मसला में, अच्छा अब यहाँ ये कि कुछ ऐसी नेकियां, यानी ये है कि नेकियां भी गुनाहों को धो डालती, इस पे कोई आयत बताएगा? इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, ये आयत डाल दीजिए कि नेकियां जो होती हसनात जो है सय्यात को बुराइयों को धो डालती, या आप आयत हमें कोट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो ये समझ में आ गई, 445 कर रहे थे ना, ठीक है चलो अब आगे चलते हैं, मुझे लगता है पीछे की कुछ और तो नहीं दिया, नहीं नहीं ठीक है, अब 446 ठीक है, अच्छा 446 हम करते हैं। हद्दसना अबुल यमानी अखबरना शोएबुन हद्दसना अबू जनादी अनिल आरजी अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, हमसे अबुल यमान ने बयान किया, हमको शोएब ने खबर दी, हमसे अबू जनाद ने, उन्होंने आरज से, उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अनु से रिवायत किया कि आनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ सलासम ने फरमाया अल मलाइकतु यताकबूना मलाइकतुन बिललैल, आज़ सलासम ने फरमाया फरिश्ते जमीन पर आते जाते रहते हैं, कुछ रात के फरिश्ते व मलाइकतुन बिन्नहारी, कुछ फजर के, आपने समझ लिया ना, लैल नहार और नहार जो है दिन और लैल रात, ठीक है, कुछ फरिश्ते दिन के और वयस्तमीऊना फिसलातिल फजरी वसलातिल असरी, वयस्तमीऊना वो जमा होते हैं, ठीक है ना, और वो जमा होते हैं फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं, तुम्मा यारुजु इलैही लजीना बातूफीकुम, अच्छा फिर जो फरिश्ते रात को जमीन पर रहते हैं
वो सुबह के वक्त आसमान पर चढ़ जाते हैं। फयस फयस अलोहुम वहुआ आलोम, परवरदिगार उनसे पूछते हैं। फयस अलो सवाल से है ना, फयस अलोहुम उनसे, उनसे यानी उनसे कौन है, फरिश्तों से। अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों से, वहुआ और वो आलम, अल्लाह के वो खूब जानते हैं। फिर आलम आ गया अजवद, आलम अलीफ आता है तो बहुत ज्यादा जानने वाले, अल्लाह के अल्लाह ताला खूब जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं। क्यों? अच्छा, बहुत ज्यादा जानते हैं। कैफा तरक तुम इबादी, क्योंकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं। ये कहते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि वो हर चीज को देख और सुन रहा है ना अल्लाह ताला। कैफा तरक तुम इबादी, कैफा किस तरह, तरक तुम तुमने छोड़ा, तरका समझते ना, तरका छोड़ा, तुम तुमने इबादी मेरे बंदे, या आ गया तुम्हें ये समझ में आ गया कैफा तरक तुम इबादी। अच्छा समझा है मुझे कैफा तरक तुम छोड़ा, लफ्जी तर्जुमा समझ में आ गया कि तुमने मेरे बंदों को क्या करते हुए छोड़ा, किस हाल में छोड़ा। फकालू तो वो अस करते हैं, कौन फरिश्ते, तरकना हमने छोड़ा, ना आ गया ना, तरकना हम यूसल्लूना, हम वो यूसल्लूना वो नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लफ्जी तुम तर्जुमा करते, वो अर्ज करते हैं जब हमने उनको छोड़ा उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे। वातैना हम यूसल्लूना, और जब उनके पास आने, वातैना आए ना, जब उनके पास आए उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे। इदा काला अहदुकुम आमीनु वल मलाइकतु फिस्समाई फवा फकत इहदा हुमा अलउखरा गुफिरा लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बी। और जब उनके पास गए उस वक्त भी वो नमाज पढ़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से आमीन कहे, और फरिश्ते इस आसमान पर आमीन कहते हैं, फिर दोनों आमीनें आपस में लड़ जाती हैं, तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फरिश्ते आसमान पर भी आमीन कहते हैं, हमारे साथ जो होते हैं वो भी आमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जिसकी आमीन मुवाफ़क़त कर गई फरिश्तों की आमीन के साथ, तो फ़ग़फ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी, तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, फोर क्या थी, ये 46 थी ना, 445 थी, 446 थी, चल। अच्छा अब क्या होता है कि फजर की नमाज के वक्त दिन का आगाज हो रहा होता है, मालूम है ना, दिन का आगाज हो रहा है, और असर की नमाज के वक्त रात का आगाज हो रहा होता है, ठीक है। असर के बाद कुरान, तो हमें क्या करना चाहिए, असर की नमाज के बाद भी कुरान पढ़ना चाहिए, फजर के बाद भी, क्योंकि सूरह बनी इसराइल में आता है कि गाना मशहूदा कि फजर का कुरान तो गवाह बनेगा, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा को ये भी फरमाया कि ये नमाज तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज की गई थी, यानी असर की नमाज, मगर उन्होंने इसको जाया कर दिया, तो जो आदमी इसकी हिफाजत करे फिर उसे दोहरा अजर मिलेगा। असर की नमाज अगर पढ़ेंगे तो दोहरा अजर मिलेगा, क्योंकि पहली उम्मतों ने जाया कर दिया था, ये नमाज पहली उम्मतों पर भी फर्ज थी। और फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, इरशाद बारी ताला है कुरान में, ये आयत भी आप व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, हाफिजु अलसलाती व सलातिल वुस्ता, के हाफिजु अलसलाती, हिफाजत करो नमाजों की, व सलातिल वुस्ता, और कौन सी नमाज, खासतौर पे असर की नमाज, दरमियानी नमाज, वुस्ता, इन्होंने तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया, वुस्ता यानी जजाक अल्लाह, दरमियानी नमाज की। कहें मेरे साथ, हाफिजु अलसलाती व सलातिल वुस्ता। हाँ, आपने एक मौके पर मुशरकीन के लिए बद्दुआ की थी, उन्होंने बद्दुआ की थी कि उन्होंने हमारी असर की नमाज जाया करवा दी थी। एक दफा जंग हुई थी ना, तो असर की नमाज जाया करवा दी। जहां तक आप समय फिर चुके असर की नमाज, और असर की नमाज के लिए एक और भी हदीस आती है ना, यही हदीस के जैसे ऐसे जैसे उसके माल औलाद घर सब बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। अब अच्छा, अब जहां तक आमीन का ताल्लुक है, तो आमीन कब पढ़नी चाहिए, इजा काल अल इमाम, आपने देखा हदीस के अल्फाज़, इजा काल अल इमाम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दुआलिन आमीन, के जब इमाम कहे गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दुआलिन आमीन, तो क्या कहो, आमीन कहो। और जिसकी आमीन किससे मिल गई, फरिश्तों की आमीन, तो फिर जो है उसके अगले गुनाह माफ हो जाएंगे। इसे सही और तरगीब और तहरीब में रिवायत किया, ठीक है, ये वाजे हो गई हदीस सारी। चलो अब आगे चलते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान किसको कहते हैं, सूरतुल फातिहा, फातिहतुल किताब को उम्मुल कुरान यानी सूरतुल फातिहा की किरात से फारिग होते, तो आवाज को बुलंद करते हुए आमीन कहते, और यहूद किसी चीज की वजह से तुमसे इतना हसद नहीं करते
जितना सलाम हम सलाम करते हैं ना सब, हमारा तो ताहिया ही सलामती है कि तुम पे सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो जितना सलाम, और आमीन की वजह से क्या करते हैं, हमसे हसद करते हैं, ठीक है। आमीन की वजह से वो जो इसको सुनन इब्ने माजा ने रिवायत किया, ठीक है। चले अब आगे चलते हैं। अब कौन सी हदीस नंबर है? 447, ठीक है। हद्दसना मोहम्मद अखबराना मखलद अखबराना, यही है ना, अखबराना इब्न जुरैज अन इस्माइल इस्माइल इब्न उमियता अन्ना नाफ़ियन हद्दसहु अन अल-क़ासिम इब्न मोहम्मद हद्दसहु अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, हमको मुखलद बिन यजीद ने खबर दी, हमको इब्ने जुरैद ने, उन्होंने इस्माइल बिन उमैया से, उन्होंने नाफे से बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अन्हा से रिवायत किया, कालत वो कहती हैं, उन्होंने कहा हसौतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसादतन फीहा तमासीलु कअन्हा नुमरुकतुन। अच्छा, अब फरमाती हैं कि मैंने आज़ाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया भरा जिस पर तस्वीरें थी जैसे नक्शीन तकिया होता है। फजा, तो आप तशरीफ आए, फकामा बैनल बैनल, ये क्या लफ्ज है, बाबैनी, बाप कहते हैं दरवाजे को, फकामा बैनल बाबैनी वजाला ये तगैरू वजह, तो आप तशरीफ लाए, दो दरवाजों की चौखट पर खड़े रहे, बाबैन यानून आ गया ना तो तस्निया हो गया, बाबैन दो चौखटों पर खड़े हुए अंदर ना आए और आपके चेहरे का रंग बदलने लगा। यह तगैर समझ रहे, तगैर बदल गया, तगैर हो गया, बदल गया, वजह वजह कहते हैं चेहरे को, ली वजह अल्लाह, अल्लाह के चेहरे के लिए, हाँ, तो चेहरे का रंग बदलने लगा, समझ आ रही है अरबी। फकुल तू, तो मैंने अर्ज किया, तू फकुल तू यानी औरत के लिए ता आता है ना, तू यानी दम्मा भी, मैंने अर्ज किया, मा लना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारा क्या कसूर है, यानी दरअसल ये मालना के क्या है हमारे लिए, लफ्ज तर्जमा देखे तो मालना क्या है हमारे, लेकिन वो उसको जुमला बनाते कि मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह हमारा क्या कसूर, काला आपने फरमाया, मा बालू हाजिर विसादती, जो जो ये ब्रैकेट में जो आप गुस्से हुए थे ना, आपकी तगैर चेहरा हो गया था, आपने फरमाया ये तकिया कैसे रखा है, कुल तू मैंने कहा, विसादतुन जाल तुआ लका लीतद तजिया अलैया, मैंने कहा कि आपके आराम फरमाने के लिए ये तकिया मैंने बनाया है, काला आप सरस ने फरमाया, अमा अलिमती अन्नल मलाइकता ला तदखुलू बैतन फी सूरतुन, तू नहीं जानती जिस घर में मूरत होती है उस घर में फरिश्ते नहीं आते, वअन्ना मन सना असूरा युअज़्ज़बू यौमल क़ियामती फयकूलू अहयू मा खलक़तुम, या अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम लोग तो, आपने फरमाया तू नहीं जानती जिस घर में मूरत होती उस घर में फरिश्ते नहीं आते, और जो कोई मूरत बनाएगा कयामत के दिन अजाब में पड़ेगा और उससे कहा जाएगा मूरत तो तूने बनाई, अब इसमें जान भी डाल, अब इसमें जान भी डाल, ये सुनते आए हैं देखे, लेकिन अब सही हदीस पढ़ी पता चला ना, हाँ अब हम देखते हैं कितना बनाते थे, हाँ ड्राइंग करना ही है ना, वही ना, तो लेकिन क्या है कि वो जो है ना उजूर में आता है कि इलस्ट्रेशन से इल्म सीखने आप जा रहे हैं ना, डॉक्टर बनेगा तो इलस्ट्रेशन होते हैं, फिर डेड बॉडी बाद में आती है ना, कुछ सेकंड ईयर में डेड बॉडी देते हैं, पहले साल में तो डेड बॉडियों पे नहीं, उनको काट को पहले तो पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे लोग काटते हैं ना, मेंढक और है ना, मेंढक और ये वो सब काटते हैं, तो वो जो है उजर में आता है कि सीखने के लिए, अल्लाह ताला को पता है कि इल्म कैसे हासिल होगा, लेकिन अब मैं तस्वीरें हम बनाएं और लिखें और करें तो ये गलत है, ठीक है, ये हमें जो है नहीं करना, हाँ 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 अच्छा अच्छा हम आगे चलते हैं 449, अच्छा हमें उसका भी टाइम निकालना है ना, 447 448 ना, 448 करेंगे, ठीक है, यानी 447, ठीक है, अच्छा 447 हमने किया, हाँ जी जी, तो अब हम देखते हैं वही आप लोग बात करें कि घरों में जो तस्वीरें हैं मुख्तलिफ चीज़ों की पेंट करके रखते हैं, ठीक है ना,
अखबार होते हैं, रिसाला उनका क्या करें, अखबार होते हैं, रिसाले होते हैं, जो हमारे पास फ्लायर आते हैं, फ्लायर अभी एक ड्रेस का था, पता नहीं मदन ईसा का अफाफ का था, तो उसको मैंने छुपाया ना, क्योंकि हदीस भी अभी पड़ी थी, तैयार की थी। तो क्या करना चाहिए कि उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको ढक दें, उल्टा रख लें, फिर तो हम फ्लायर फेंक ही देते हैं, किसी काम में ले लेते हैं, तो क्या करें कि उसको छुपा दें, एनवेलप में डाल दें, ताकि फरिश्तों की आमदो रफ्त ना रुके। इसका ये हल है, क्योंकि आजकल तो कोई चीज है ही नहीं, मैगजीन, रिसाले, फ्लायर। तो डॉल तो ये कि बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कपड़े की गुड़ियाएं होती थी, अब वो आपकी बच्ची खेल रही है ना, तो वो क्या करें कि नमाज के वक्त, जैसे वो खेले, खेलने की जगह अलग है, उस जगह आप नमाज ना पढ़े, वो ना करें, लेकिन उसके लिए जो कॉटन के और कपड़ों के होते हैं वो उजर में आते हैं। आजकल तो ऐसी मॉडर्न बारबी जो ऐसी बना रही है, रियल लगती है बिल्कुल ना। तो अब एहतियातन हम ये करें कि नमाज के वक्त उसको हम कपड़े ढाल दें, हटा दें, या बच्चा दूसरे कमरे में खेल रहा है तो हम दूसरे कमरे में नमाज पढ़ लें ना। देखिए बैठते तो काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है ना। 448 पढ़ू, हदसन अबनु मकातिलिन अखबराना अब्दुल्लाह अखबराना मामरुन अनिजोरी अनबैदिल्लाई अब्दुल्लाई असमय अबना अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा यकूल, हमसे मोहम्मद बिन मुकातिल ने बयान किया, हमको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, हमको मामर ने, उन्होंने जोरी से, उन्होंने उबैदिल्ला बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु से सुना कि वो कहते थे, यकूल वो कहते थे, समय तो मैंने सुना अबा तला, मैंने अबू तला से सुना, यकूलू वो कहते थे, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू तला कहते थे कि मैंने आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकूलू आप फरमाते थे, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला सूरतुन तमासी, के आप फरमाते थे फरिश्ते उस घर में कभी दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो और उसमें भी जो है जहाँ मूरत हो, ठीक है, उसमें भी जान डालनी पड़ेगी जहाँ मूरत हो। तो ये भी देखो वो चीज बता रही है ना, ठीक है। अब ये जो है एक हदीस के रावी थे, वो रावी है, वो कहते थे कि मैंने अपने पर लाजिम कर लिया था कि मैं रोज की तीन हदीस याद करूँ। कितनी? तीन। तो आप एक ही याद कर लें, ला तदखुलुल मलाइकता, देखें हदीस को, ला नहीं तदखुलु दाखिल होते हैं, अल मलाइकता कलकतु फरिश्ते, बैतन किसी घर में, फी है जिसमें उसमें कलबुन कुत्ता हो, वला और ना सूरतुन तमासिलिन यानी क्या हो, मूर्तियां और तस्वीर हो, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए और हम एक दूसरे से सुनेंगे। अब 448 हम कर रहे हैं ना, ये 448 थी, ठीक है, 449 करेंगे, ठीक है, लास्ट, हाँ ठीक है, चले। हदसना अहमदु हदसन अबनु वाबिन अखबराना अमरुन अन्ना बुकैर अबना अल क्या है अल अशज्जा अल अशज्जा हदसहु अन्ना बुसरुबन सईदिन हदसहु अन्ना जैद अबना खालिदिन जोहनिया रदियल्लाहु अन्ना हदसहु वमा बुसरुबनी सईदिन उबैदुल्लाह खवालानी अल्लज़ी काना फी हिजरी मैमूनता रदियल्लाहु अन्हुमा, हमसे अहमद बिन सवाले ने बयान किया, हमसे अब्दुल्ला बिन वहाब ने कहा, हमको अबरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे बुकैर ने अशजा ने बयान किया, उनसे बसर बिन सईद ने, उनसे जैद बिन खालिद जोहनी ने रदी अल्लाह अनु, और बुसर के साथ इस हदीस को जैद बिन खालिद ने उबैदुल्ला बिन असवद और कुलानी से भी बयान किया, जिनको उम्मुल मोमिनीन मैमूना ने परवरिश किया था। उम्मुल मोमिनीन कौन है? आप ससम की जौजा मोहतरमा मैमूना रदी अल्लाह अनुमा, जौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जौजा मोहतरमा थी। हद दसहुमा जैद इब्न खालिद अन्ना अबा तला, के अब आगे एक चेन है कि जैद इब्न खालिद से अबू तला ने बयान किया, अबू तला बयान करते हैं कि हद दसहु उसको बयान किया, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरत, ऊपर से मिलती जुलती है ना, कि फरिश्ते इस घर में नहीं जाते जिसमें सूरत होती है। ये याद करने से ना थोड़ा अरबी की आपको सेंस आएगा। काला बुसुन फमरिया जैद इब्न खालिद फौदुन नाहु फैजा नानु फी बैती बिस्तरिन फी तसावीरु फकल्तु ले उबैदिल्लाह अल-खौलानी अलम युहद्दिसुना फी तसावीर फकाला इन्नहु काला इल्ला रकमुन फी थौबिन अला समेतहु कुल्तु ला काला बला
खुद खुदुन दकर हो। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि आज़ाद हसन फरमाते हैं फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिसमें मूरत होती। बिसर कहते जैद बिन खालिद बीमार हुए, हम उनको पूछने गए तो देखा उनके घर में एक पर्दा लटका है जिसमें मूर्तें थी। किसके घर में गए थे लोग? जैद बिन खालिद क्या बीमार हुए तो हम उनके उनको पूछने गए। मैंने उबैदुल्ला कुलानी से कहा, जैद ने तुम हमसे मूर्तों के बाब में ऐसी हदीस बयान की थी, अब खुद उन्होंने ये मूर्त पर पर्दा कैसे डाला, इस मूर्त वाला पर्दा कैसे लटकाया? क्योंकि उन्होंने हदीस बयान की थी, अब उनके घर गए तो मूर्त वाला पर्दा था। उन्होंने कहा, जैद ने हदीस में ये भी बयान किया था मगर इन मूर्तों में कोई मजायका नहीं जो कपड़े पर नक्श की तरह हो। उबैदुल्ला ने मुझसे पूछा, क्या तुमने जैद से ये नहीं सुना? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तो सुना है जैद ने ये बयान किया था जैसे कि मूर्तियां नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है जो सेल्फ प्रिंट होते हैं ना, जो सेल्फ प्रिंट, तो अब जो है ना हजरत महमूना की गोद में पले ना अब्दुल्ला खोलानी, तो इसमें आता है कि वो क्या थी, कपड़े से बनाई हुई हो, कपड़े से बनाई हुई जो चीजें होती है ना, इस हदीस से मुस्तस्ना है। और जो है जो नक्श जो है ना ऊपर ना हो, पेंट ना किया हो, ड्रॉ ना किया, जैसे अभी बता रही थी ना, ड्रॉ ना किया हुआ, पेंट ना किया हो, जैसे अंदर ही जो है ना कोई चीज सेल्फ प्रिंट हो, सेल्फ प्रिंट जैसी चीज हो, तो वो उजर में आते। आप इससे इस हदीस से बाद लोगों ने क्या लिया है कि अक्स और तस्वीरें, कैमरे की तस्वीरों का जवाब निकाल लिया। ये जो हदीस है ना कि सेल्फ प्रिंट हो तो लोगों ने अक्स से क्या निकाला कि तस्वीरें लेना शुरू कर दी, कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दी, कि इस हदीस से उन्होंने जवाब निकाला। लेकिन बहरहाल उलमा कहते हैं कि ओवरऑल जो हुक्म है वो वाज़े हुक्म है तस्वीरों के बारे में। क्या वाज़े हुक्म है? कि उसको जो है तस्वीरें प्रिंट करना, उनको बनाना, ड्रॉ करना, ये बहरहाल हमारे दीन में मना है। इल्म के लिए अगर इलस्ट्रेशन है ड्रॉ करते तो बात दूसरी, ठीक है। उस पर जो है बहुत सी वईदें हैं, और अभी आपने बराह रास्त हम एक वईद पढ़ रहे हैं ना, वईद पढ़ रहे हैं ना कि क्या होगा कि उसको जान डालनी पड़ेगी और हम इस पर कादिर नहीं होंगे, और दुनिया में क्या होता है फरिश्ते दाखिल नहीं, जब फरिश्ते ही नहीं दाखिल होंगे तो हमारे कुरान, हमारे वज़ाइफ, हमारी सारी चीज़ें आसमान पर कैसे जाएंगी? कितनी सख्त वईद है कि क्या होगा, उसमें तुमने जान डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अच्छा, और उसमें कुत्ते का भी जिक्र आ गया कि कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ बाहर हो, किसी ऑफिस की, दफ्तर की जगह की रखवाली और हिफाजत के लिए हो तो उसकी इजाजत है। और शिकारी कुत्ते भी जो शिकार करते हैं उसकी भी इजाजत है। तो कुत्ते लॉन में, बाउंड्री में अलाउड, बिल्कुल हाँ। अब देखिए ये उजर है ना, अल्लाह को पता है ना कि चोरी हमारे मुल्कों में तो डाकू घुस आते हैं, कुत्ता भौंकेगा तो वो भाग जाएगा, है ना। तो घुसने वाले तो कुत्ते के लिए भी क्या करते होंगे, डर लगता है, लेकिन एहतियात तो होती ना, अल्लाह ने अलाउ किया, ठीक है। तो उसकी इजाजत है, कुत्ते को रखने से भी फरिश्ते नहीं आते, तस्वीरों से भी फरिश्ते नहीं आते, और हर रोज एक रात देखी वो इंसान के नामाए अमाल से माइनस होती है और होती रहती है, इसलिए एहतियात बरतनी चाहिए। क्या होता है एक रात कहते हैं एक औहद पार, इतनी तो नेकियां भी नहीं है, और कुछ कहा तो हम कुत्ते रख लें घर के अंदर, तो एक जाया होती है हर रात, एक रात नेकी इंसान के नामा से माइनस होती है, तो हम जो है कुत्ते नहीं रखते घर में, ना लाए, जैसे पाल रहे हैं पपीज और वो साथ ही रहे और साथ ही होते हैं, साथ होते। अच्छा अब आप देखें, अब ओवरऑल हमने पढ़ लिया कि इन्होंने जवाब निकाला कैमरे और तस्वीरें लेने का। अब आप देखें हमारे प्रोफाइल, हमारे स्टेटस, आप फेसबुक पे देखें, आप इंस्टाग्राम पे देखें, आप स्नैपचैट जो है उस पर देखें, क्या है, तस्वीरें ही डाल रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा नवासा। अब आप देखें, मैं तो उसको लाइक भी नहीं करती, मेरी दोस्तियाँ इसलिए नहीं बढ़ती हैं ऑनलाइन, मेरे कम सुनने वाले हैं कि मैं उनको लाइक नहीं करती, क्योंकि इस हाथ से मैंने लाइक किया तो मैं इंकरेज कर रही हूँ, इस अल्लाह ताला की बात की नाफरमानी कर रही हूँ ना। लाइक करने का मतलब है कि हाँ तस्वीर जायज़ है, तस्वीर निकालो, ठीक है। तो मैं नहीं करती लाइक कभी भी, ठीक है। कोई भी डाल ले, रिश्तेदार डाल ले, बहन डाल ले, भाई डाल ले कि मेरे अनवासा हुआ, पोता हुआ, ये हुआ, मैं फिर उस पर फेसबुक पे मैसेजेस पे तो नहीं बात कर रही, मेरी जब भी मुलाकात होती मैं कहती हूँ मैंने तस्वीरें देखी। अब आप जैसे ही खोलते हैं तो मैं तो सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है ना, तो सामने कुछ चीज़ें होती नज़र पड़ जाती, मैंने कहा मैं नज़र पड़ जाती, लेकिन देखें मैं उसको लाइक इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं इस हदीस से डरती हूँ। तो खुद भी कोशिश करें
अब अगर आप लोग कहीं मेरी तस्वीरें देख लें तो वो बच्चे ना छुपके से कर लेते, और मामू जो उनके मेरा भाई जो है बहुत उनको डांटते, जब आपकी मम्मी मना करती तो आपकी उनका, तो आप लोग प्लीज अब तो आप लोगों ने पढ़ ली, अगर हमारा अमल ही ना हो, बच्चों से भी कहे मेरी ना निकाले और दिल से कर, मैं शादी के भी नहीं निकालती, मैं अपने बेटे की शादी के स्टेज पे नहीं गई, यकीन करो जहाँ ऐसी चीजें हो रही होती ना, क्योंकि अल्लाह को खुश करेंगे ना तो अल्लाह जब खुश होंगे तो जिब्रील अलैहि सलाम से कहेंगे कि जिब्रील इस बंदे से मोहब्बत करो, आपने पढ़ी ना हदीस पीछे, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फिर हमने क्या पढ़ी थी पिछली दफा, आप जरूर सुनिएगा रिकॉर्डिंग, फिर जो है वो ऑथेंटिक हदीस आगे ना, फिर जिब्रील आसमान में मुनादी करेंगे कि अल्लाह इस बंदे से, फरिश्तों से कहेंगे कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत कर, फिर हमने पढ़ा था कि हामिलीन अर्श को कहेंगे, अर्श वाले फरिश्तों को, अर्श कितना है सातवां आसमान के ऊपर, अल्लाह का अर्श पानी पे ना, वहां हमारा जिक्र होगा, हामिलीन अर्श जो है अर्श को उठाने वाले आठ फरिश्ते उनमें जिक्र होगा, अर्श पे जिक्र होगा कितना बड़ा, फिर वो फरिश्ते जो है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को, वो फरिश्ते मोहब्बत करेंगे, वो फरिश्ते फिर दुनिया में हमारे लोगों में मोहब्बत डालेंगे, तो अल्लाह की मोहब्बत से जाए ना, लोगों की मोहब्बत, बेटा बुरा मनाएगा, बेटी बुरा मनाएगी, समधन बुरा मनाएगी, स्टेज पे नहीं आई, तस्वीर नहीं निकाली, क्यों, मेरा रब राजी, मुझे जन्नत दौजख ये लोग देंगे, तस्वीरें मैं इनके साथ बनाऊंगी, ये दुल्हा दुल्हन बन के बैठेंगे, मैं और दे दूं, अच्छे गिफ्ट दे दूं, शादी के काम कर लूं, इनके खाने अरेंज कर दूं, सब कुछ कर लूं, इनको एक नसीहत दे दूं, ये हदीस सुना दूं, और बड़ी उजिमा हो जाए, अल्लाह मैंने तो पहुंचा दिया था, और मेरे एक्शन से बताऊं कि मैं नहीं आती, क्योंकि बहुत करीबी रिश्तेदार है, मुझे जाना है, मैं कवर्ड हूं, मैं अबाये में हूं, और जो है मैंने आपको बताया था ना कि अभी ने मुझे कहा कि आप तो एक ओल्ड एज हो गई है, अबाया क्यों नहीं उतारी, मैंने कहा मेरी उम्र के मर्द तो देख रहे हैं मुझे, मेरी उम्र के मर्द तो देख रहे हैं ना मुझे, हाँ, और यंग और छोटे भी देख, आपको किसी की नियत का नहीं पता, भाई मेरी उम्र के मर्द तो देख रहे होंगे ना, रिश्तेदार मर्द भी देख रहे होंगे, वो चुप हो गई, देखिए एक तो है ना दुपट्टा उतारे रखो, ये नहीं कि सतर छोड़ दो, अल्लाह का ये मतलब नहीं है, एक आयत भी है ना वो कि जो बिल्कुल झुरिया झुक गई उसकी तरफ कौन मर्द देखेगा कि इसको मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा बोझ बन जाएगी, अभी मैं ऐसी तो नहीं झुक गई, अभी चुप हो गई, बार दफा बच्चों को होता है ना, अफाफ कहती है कि मैं उस दिन आई थी मर्द थे उस शादी में, मैंने अबाया नहीं उतारा था ना, मैं कितनी खराब लग रही थी ना, अफाफ को बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसका कलर दुपट्टा ही पहन ले, ये सामने जो हमारी शादी हुई थी कलर दुपट्टा ही होने, डेढ़ साल दो साल हो गए, तो देखिये सबने पहना हुआ है, ये फला की है नाम, मैं नहीं ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं लूंगी, यहाँ की है, उन्होंने भी यहाँ से किया है कोर्स, उन्होंने भी किया है किसी चीज का, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई उस्ताद जिम्मेदार नहीं है, हर कोई अपने अमल का, हमें किसी मदरसे को बदनाम नहीं करना चाहिए, मैं अगर मेरे अमल में आप बुराई देख रही तो अमल आना पढ़ना नहीं छोड़ दिया, उसकी तो यही मिसाल है ना कि एक शख्स होगा वो उसकी अंतरियां बाहर होगी और जहन्नुम के गिर्द गोल गोल चक्की काट रहा होगा, गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा जैसे चक्की घुमाते, चक्की नहीं काट रहा होगा सॉरी, वो गोल गोल घूम रहा होगा, उसकी मिसाल देखिए जैसे चक्की गोल गोल घूमती है, अंतरियां बाहर होंगी, लोग कहेंगे या फलानू ए फला तुम वही हो ना जो हमें जो है दर्श देते थे बड़े बड़े जन्नत की खुशखबरियां और जानू उसकी आग से डराते थे, हाँ मैं वही हूँ लेकिन मैं अमल नहीं करता था, तो किसी के दर्श में आने से ना रुके, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते, क्या हम हमारे बच्चों को नहीं कहते, क्या हमारा दिल नहीं चलता कि हमारे प्यारे हमारे साथ जन्नत में हो, क्या हमारी कोशिशें नहीं है, मेरी तो लड़ाई इसीलिए, आपकी लड़ाई इस्लाम होना चाहिए, सलाती मनसुखी व माया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मनासिक मेरा जीना मेरा मरना मेरी नमाजें मेरे हज के मनासिक अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए लड़ाई होनी, अल्लाह के लिए मोहब्बतें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े करके रातों रात अभी आप गई हैं और एकदम कहें कि मैं एल्बम उठा के फेंकती हूँ, मैं मेरी तस्वीर नहीं लेना, मैं स्लोली ग्रेजुअली हिकमत से, अब मैं हिकमत पे भी एक दर सकूंगी, आप सुने कि हिकमत क्या है, तो फिर आप मेरा ख्याल है हम क्या करें, इसको खत्म करें और शुरू कर दें, कितनी मिनट है आप लोग, वो तजवीद भी करूं واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. चले आप लोग कोई कुछ कहना चाहेगा, आप लोग कुछ कहना चाहेंगी तो चलें शेयर करें. हेलो शनास जी जी जी
जी मैंने कहा सालगिरह में तो जाना मना है, ठीक है, लेकिन एक जगह आमीन की दावत आई है तो वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरा सवाल है। कुरान जी जी आमीन की उसमें तो आप बिल्कुल खत्म जाएं। किया उसने। जी जी हाँ, को बिल्कुल जाएं, क्योंकि फिर यही तो मौके है ना कि आमीन पे जी जी